चंडीगढ़ में हाई पावर परचेज कमेटी की बैठक शुरू हो चुकी है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल इसकी अध्यक्षता कर रहे हैं। हरियाणा निवास में एचपीपीसी की बैठक हो रही है और इसमें कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा, जेपी दलाल कृषि मंत्री और उसी के साथ बिजली मंत्री रंजीत सिंह, कैबिनेट मंत्री बनवारी लाल बैठक में मौजूद हैं और इन तमाम बड़े जो है मंत्रियों के साथ बैठक में बड़े मुद्दों को लेकर आज चर्चा की जा रही है। हालांकि इस बैठक के खत्म होने का इंतजार होगा, देखते हैं ये होगा कि आज इस बैठक में क्या बड़े फैसले लिए जाएंगे, क्योंकि लगातार जब से बैठकों का दौर शुरू हुआ है हर बैठक में हरियाणा से जुड़े तमाम बड़े मुद्दों पर फैसले मुख्यमंत्री मनोहर लाल की ओर से लिए जा रहे हैं। कई ऐसे मुद्दे जो हरियाणा के लिहाज से, विकास की गति के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है, ऐसे मुद्दों पर फैसले लेकर उस पर काम करने के निर्देश भी मुख्यमंत्री मनोहर लाल की ओर से दिए गए हैं, जिसके लिए पिछली बैठक में भी कई बड़े फैसलों पर मुहर लगी और आज हाई पावर परचेज कमेटी की बैठक में क्या रहेगा खास, इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता रवि चंदेल हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे पूरा अपडेट लेंगे। रवि, हाई पावर परचेज कमेटी की बैठक शुरू हो चुकी है, लेकिन इस बैठक से कई ऐसी उम्मीदें हैं कि जो बड़े मुद्दे हैं और अभी तक उस पर फैसला नहीं हुआ, आज मुख्यमंत्री उन मुद्दों पर मोहर लगा सकते हैं, जरा पूरा अपडेट इस पर। देखिए, मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में बीते एक घंटे से हाई पावर परचेज कमेटी की बैठक जो है वो लगातार जारी है और इस बैठक के अंदर जो है वो खास तौर पर यदि हम जिक्र करें तो बिजली मंत्री रंजीत सिंह चौटाला इस बैठक में मौजूद हैं, परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा, सहकारिता मंत्री बनवारी लाल, राज्य मंत्री अनूप धानक और साथ ही साथ कृषि मंत्री जेपी दलाल इस बैठक में मौजूद हैं। इस बैठक के अंदर जिस तरीके से इन विभागों के जो मंत्री मौजूद हैं, इन्हीं विभागों के तमाम आला अधिकारी भी मौजूद हैं। इस बैठक में खासतौर पर यदि हम बिजली विभाग का जिक्र करें तो बिजली विभाग के अंदर जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को लेकर जो है वो उसकी परचेज पर जो है वो हरी झंडी लग सकती है। खासतौर पर यदि हम बिजली की तारों का जिक्र करें तो उसको लेकर जो है वो भारी मात्रा में बिजली की तारें जो है वो किस तरीके से उनको जो है वो एक तरीके से पूरे प्रदेश के अंदर जो है फैलाया जाए, जितनी भी जो बीच में रुकावटें पेश आ रही थी उसको दूर करने के लिए आज तारों की जो है वो परचेजिंग की जा सकती है। इसके अलावा यदि हम परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा का जिक्र करें तो परिवहन विभाग के अंदर जो है वो हाल ही में बहुत सारी बसों का, खासतौर पर इलेक्ट्रॉनिक बसों का जिक्र करें, BS4 BS6 बसेस का जिक्र करें तो इन BS6 बसों की भी परचेजिंग की गई थी और आज जो है उच्चतर शिक्षा विभाग जो परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा के पास उच्चतर शिक्षा विभाग भी है, उच्चतर शिक्षा विभाग के अंदर किस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर को जो है वो डेवलप किया जाए, किस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर को और अधिक स्ट्रॉन्ग किया जाए उसको लेकर जो है वो परचेजिंग की जा सकती है। इसके अलावा अब गृह मंत्रालय का यदि हम जिक्र करें तो पुलिस विभाग में भी जो है वो परचेजिंग की जा सकती है। हो सकता है कि गाड़ियों की परचेजिंग हो या फिर किस चीज़ की या फिर किसी और चीज़ की परचेजिंग हो, लेकिन फिलहाल जिस तरीके से हाई पावर परचेज कमेटी के अंदर जो है वो लगभग सभी विभागों के मंत्री मौजूद हैं। ठीक है रवि, मैं आऊंगी वापस आपके पास, आप नजर बनाए रखिएगा। कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा, जेपी दलाल इस बैठक में मौजूद हैं, रंजीत सिंह, बनवारी लाल, तमाम मंत्री इस बैठक में मौजूद हैं और सभी के साथ आज इस बैठक में चर्चा हो रही है। आपको बता दें हाई पावर परचेज कमेटी की बैठक में तमाम बड़े मुद्दे जिस पर आज चर्चा की जाएगी, मुख्यमंत्री मनोहर लाल सभी मंत्रियों के साथ बैठकर तमाम मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे और उसी के साथ मंथन किया जाएगा। कई ऐसे फैसले जो अभी तक हरियाणा के लिहाज से अगर देखा जाए तो उन पर फैसले लेना बाकी है, मंजूरी देना बाकी है, ऐसे फैसलों पर आज मोहर लगा सकते हैं मुख्यमंत्री मनोहर लाल, क्योंकि जब भी कोई बड़ी बैठक मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में होती है उस बैठक में बड़े बड़े फैसले लिए जाते हैं। पिछले दिनों भी हमने देखा कि मंगलवार को जब हरियाणा कैबिनेट की बैठक हुई थी और बैठक में भी कई बड़े फैसले लिए गए। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए लगातार रवि चंदेल हमारे साथ बने हुए हैं, उनसे पूरा अपडेट लेंगे। रवि, देखिए जब से बैठक शुरू हुई है आप भी वहां पर मौजूद हैं, लगातार आप देख रहे हैं कि शुरुआत से ही मंत्रियों के आने का सिलसिला शुरू हुआ, अब बैठक शुरू हो गई है और बात इस बात की हो रखी है कि आखिर कौन से ऐसे मुद्दे जिस पर आज फैसला लिया जाएगा, मंजूरी मुख्यमंत्री देंगे, जो हरियाणा के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण है, जो हरियाणा की जनता के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण है। रवि, देखिए हाई पावर परचेज कमेटी में जो है वो जिस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर की यदि हम जिक्र करें तो इंफ्रास्ट्रक्चर को किस तरीके से स्ट्रॉन्ग किया जाए, इंफ्रास्ट्रक्चर को किस तरीके से बढ़ाया जाए उसको लेकर जो है वो हाई पावर परचेज कमेटी में मुख्यमंत्री मनोहर लाल जो है वो खुद वेंडर से जो है वो उसको लेकर नेगोशिएशन करते हैं और उनकी तरफ से कोशिश यही की जाती है कि कुछ ना कुछ जो पैसे हैं उसको तोल भाव किया जाए ताकि पैसे जो है वो बचाए जा सके। तो इसी के मद्देनज़र आज जो है वो खास तौर पर यदि हम बिजली विभाग का जिक्र करें तो बिजली विभाग के मंत्री रंजीत सिंह चौटाला भी
इस बैठक में मौजूद हैं, तो बिजली विभाग को लेकर जो है वो परचेजिंग पर जो है वो हरी झंडी मिल सकती है। खासतौर पर बिजली विभाग के अंदर जो तारों का यदि हम जिक्र करें तो तारों को लेकर जो है वो बल्क में तारों की परचेजिंग को जो लेकर जो है वो हरी झंडी मिल सकती है। इसके अलावा पुलिस विभाग का यदि हम जिक्र करें तो पुलिस विभाग के अंदर भी जिस तरीके से परचेजिंग जो है बीते दिनों जब अगर हम जिक्र करें तो बीते दिनों जो है वो चार पहिया वाहन को जो है वो खरीद हुई थी, तो इस बार जो है पुलिस विभाग के अंदर भी खरीद जो है उसको जो है मंजूरी मिल सकती है। इसके अलावा यदि हम उच्चतर शिक्षा विभाग का जिक्र करें तो उच्चतर शिक्षा विभाग के अंदर जो है वो किस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना है, किस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर को और अधिक स्ट्रॉन्ग करना है ताकि स्टूडेंट्स और प्रोफेसर को जो है वो किसी भी तरीके से कोई परेशानी जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर तौर पर जो है वो ना आए, तो उसको लेकर जो है वो काफ़ी अहम परचेजिंग जो है वो हो सकती है। तो वहीं अगर हम सहकारिता विभाग का जिक्र करें और साथ ही साथ जन कल्याण विभाग का जिक्र करें, ये दोनों विभाग जो है वो डॉक्टर बनवारी लाल के पास है, तो ऐसी स्थिति के अंदर जन कल्याण विभाग को लेकर इंफ्रास्ट्रक्चर पर किस तरीके से उस इंफ्रास्ट्रक्चर को जो है वो और अधिक स्ट्रॉन्ग किया जाए और इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाया जाए उसको लेकर जो है वो काफ़ी महत्वपूर्ण बैठक है। और अभी जो है वो पुलिस विभाग की बैठक जो है वो समाप्त हो चुकी है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल जो है वो क्रमानुसार बैठक ले रहे हैं, यानी कि सबसे पहले पुलिस विभाग की बैठक हुई, उसके बाद बिजली विभाग की होगी, सहकारिता जन कल्याण विभाग की होगी, कृषि विभाग की होगी, तो इस तरीके से जो है सिलसिलेवार तरीके से जो है वो ये बैठकें जो है वो लगातार जारी हैं। और इस बैठक के अंदर जो है वो परचेजिंग पर जो है वो मुहर लग सकती है। लगभग जो भी विभागों के संबंधित विभागों के जो मंत्री यहाँ पर मौजूद हैं उन विभागों पर जो है वो परचेजिंग को हरी झंडी मिल सकती है। जी ठीक है, यानी कि सिलसिलेवार तमाम विभागों से चर्चा कर रखे हैं मुख्यमंत्री, और जैसे ही सभी विभागों से बैठक खत्म होगी रवि लगातार अपडेट आपसे लेंगे। शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।